आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सलूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कनवर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 18 atm द चेंज इन एंट्रोपी इज और हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इज 540 कैलोरी पर ग्राम ठीक है तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें गिवन है कि वाटर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O ओ गैस मतलब स्टीम में यह लिक्विड और यह स्टीम ठीक है steam, और यह कन्वर्जन हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में एंड 1 एटीएम प्रेशर पे मतलब इसके स्टैंडर्ड कंडीशंस में मतलब ये जो रिएक्शन होगा ये अब इक्विलिब्रियम पे कन्वर्जन हो रहा होगा और यहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी इस कन्वर्जन uh, में ये होगी जीरो ठीक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 373 केल्विन ठीक है अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा इस रिएक्शन के लिए मतलब डेल्टा एस हमसे पूछा जा रहा है ठीक है और हमें इन्फॉर्मेशन ये बन है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 540 कैलोरी पर मोल ठीक है मतलब अगर एक ग्राम वॉटर लिक्विड टू स्टीम कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा एच या फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू है 540 कैलोरी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वन मोल ऑफ वाटर कन्वर्ट हो रहा है ठीक है तो वन मोल ऑफ वाटर मतलब एटीन ग्राम्स पर मोल ठीक है मतलब एक मोल वाटर में एक मोल वन मोल ऑफ एच टू कंटेन्स एटीन ग्राम्स ठीक है तो एटीन ग्राम कन्वर्ट होगा तो यहां पे हम लिखेंगे फाइव फोर्टी कैलोरीज़ इतना हीट ऑफ़ वेपराइजेशन लग रहा है सो दिस इज इक्वल टू एटीन ग्राम्स जब लिक्विड टू स्टीम कन्वर्ट हो रहा है तो हीट ऑफ uh, वेपराइजेशन कितना है नाइन सेवन टू जीरो कैलोरी ठीक है अब यहां पे हम लोग एक इक्वेशन लगाएंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ताकि हमें डेल्टा एस की वैल्यू मिल सके ठीक है ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये इस रिएक्शन के लिए होगा डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंथेल्पी ठीक है क्योंकि ये क्या है हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर या फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विच इज इक्वल टू इन्थेलपी चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन ठीक है तो यहां पे हमें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है जीरो क्योंकि ये पूरा जो चेंज है फेस ट्रांसफर का ये इक्विलिब्रियम पे हो रहा है और अपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो इसीलिए ये जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस तो यहां से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस विच गिव्स डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू टी ठीक है सॉरी डेल्टा एच अपॉन टी गिवस डेल्टा एस ठीक है क्योंकि हमसे डेल्टा एस पूछा जा रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है नाइन सेवन टू जीरो कैलोरी और टेम्परेचर की वैल्यू क्या है थ्री सेवेंटी थ्री ठीक है और ये एक मोल के लिए हो रहा है इसीलिए मोल इनवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू 26.0589 कैलोरी मोल इनवर्स कैलविन इनवर्स ठीक है तो अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास डेल्टा एस आएगा 26.06 कैलोरी मोल इनवर्स कैल्वन इनवर्स और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो इसे बस हम ऑप्शंस में खोज लेते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है ये गिवन है 26.06 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थैंक यू क्लास 6 से 12 लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 840040040 पर